तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन वाइस चेयरमैन व एमडी मोहम्मद शफीउल्ला का तबादला अमल में लाए जाने की इत्तला हैं। ज़राए के मुताबिक एम ए वहीद को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वाज़ह रहे कि अवाम ने मोहम्मद शफीउल्ला के खिलाफ कई शिकायत की हैं और उनके तबादले का पुरजोर मुतालबा किया गया था। इसमें हम कितना भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज यार पेड आउटसोर्सिंग बेसिस में हम कर रहे हैं इसको, तो क्या सर ये आउटसोर्सिंग बेसिस पे भी कोई पर्टिकुलर एक ही एजेंसी क्यों है 10-15 साल से? क्यों नहीं, अभी तो हम टेंडर कॉल फॉर कर रहे हैं ये साल, अभी ऑलरेडी आई गिवन द ऑर्डर रिगार्डिंग फॉर द टेंडर्स। ये एक्सपीरियंस के नाम पे जो ओएसजी को बिठाया जा रहा है सर, उसके बेहतर कोई कोई है तो बताओ, कोई अच्छा काम करने वाला नहीं, काम तो सीखने से होगा। आप कुछ है तो दे दो, मेरे पास भेजाओ, विल हैव अ इंटरव्यू। आप एक बात बोल रहे थे कोई है तो, इससे पहले भी टीचर्स का रिक्रूट जो हुआ था उस वक्त भी कई लोग लाके दिए थे, उस वक्त भी वो लोग को नहीं लेके अवॉइड करे, जबकि लोगों का नाम भी लिस्ट में नहीं था, कोई और दूसरी जगह से लोगों को अपॉइंट करें, तब हम लाके देने का कोई मकसद नहीं रहा ना उसमें, कोई इसमें हमारा भी कोई अपना मतलब नहीं था ना, मफाद था कि अगर ही किसी गरीब का था, कोई पढ़े लिखे लोग थे, बल्कि हम लोग लेके आए थे, वरना हम लोग लाने का कुछ अच्छा लोग रहता हम कंसल्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ओएसडी जो 10 साल से अभी यहाँ पे है उनका क्या सर, खाली एक्सटेंड होता रहेगा? उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, अच्छा है, इसलिए हम उनका सर्विसेज हम कंटिन्यू करें। ठीक है, अगर अच्छा नहीं रहा तो हम रिमूव करते हैं। और एक बात ये है, वी हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, अगर गवर्नमेंट है तो क्या होएगा उसके, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट में अक्सर 3 साल या 4 साल में ट्रांसफर होते हैं, तो ये ओएसजी को यहीं पर बिठा के रखे, कोई दूसरी जगह क्यों नहीं डाल रहे? ओएसजी इज ओनली फॉर हेड ऑफिस काम के वास्ते। अच्छा, ठीक है, अभी हमारे पास बैंकबल सब्सिडी स्कीम है, ट्रेनिंग का है, सो इसलिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट में काम करे, जो एक्सपीरियंस है उसलिए उनको हम रखें। पर सुदाना किशोर साहब भी एक बताया कि अभी ओएसडी का कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ से स्टॉप है, तो फिर इनको अभी तक कैसे बिठाया जा रहा है? मैं देख एग्जाम पैसा भी अभी नया एमडी आने वाले हैं, नए एमडी आने वाले, मतलब आपका ट्रांसफर हो सकता है। आप तो अच्छा काम कर रहे हैं सर, आपका ट्रांसफर क्यों, ये बात भी जरा समझ में नहीं आई। गवर्नमेंट का अखबार में भी आया था, गवर्नमेंट नाराज है। अच्छा,